हरदा जिले की हंडिया तहसील क्षेत्र में लंबे समय से बिना रोकटोक के धड़ल्ले के साथ चल रहे बालू रेत के अवैध कारोबार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि नर्मदा नदी के किनारे बड़े पैमाने पर रेत के डंपरों से खनन माफियाओं ने सारे क्षेत्र को अपनी गिरफ्त में ले लिया था और सारे क्षेत्र पर अवैध रूप से रेत का उत्खनन कारोबार किया जा रहा था, जिस पर पुलिस विभाग द्वारा खनन माफियाओं के खिलाफ में नर्मदा किनारे लगे रेत के ढेरों पर जेसीबी चलाकर उन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। इसी क्रम में थाना प्रभारी अनिल सिंह गुर्जर ने बताया कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी ताकि कोई भी अवैध खनन का कार्य ना कर सके। हंडिया से बलबीर खत्री की रिपोर्ट। अवैध उत्खनन को लेकर लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, उसके तारतम्य आज मैदा घाट पर पहुंचे। यहाँ पर कई रेत के डंप लगे हुए थे जिनको श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार और श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार उनको दोबारा नर्मदा नदी में ही जेसीबी के माध्यम से प्रवाहित किया गया है और लगातार इस तरह की कार्रवाई भी निरंतर चलती रहेगी और जो भी अवैध परिवहन करते हुए मिलेगा उसके ऊपर भी जो भी कार्रवाई।